सरप्राइज है तो क्या इंशाल्लाह ताला इन बच्चों को बिल्कुल इनकी पहले भी हम लोग जो है सरपरस्ती हुकूमत करती रही है, हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का जो है वो इनकी सरपरस्ती करता है और आगे भी इंशाल्लाह ताला करता है। ये माइनॉरिटी की बेटियाँ नहीं, कौम की बेटियाँ हैं और पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है। हमारी ये खुशकिस्मती है कि PMLN के प्लेटफॉर्म से भी ये बच्चियाँ हमारी कोऑर्डिनेटर थी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी, सो डेट्स वाई वी आर हियर और हम उनको अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्रिस्टोफर जो है MP माइनॉरिटी के वो भी हमारे साथ हैं और उन्होंने माशाल्लाह से इन बच्चों को अपनी तरफ से नाम का चेक भी दिया 5 लाख रुपये का। अब हम उम्मीद करते हैं कि बच्चियाँ इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहेंगी। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा है कि 3 बहनें जो हैं इतने अच्छे तरीके से खेल कर मेडल पाकिस्तान के लिए लेकर आए, ये हमारी बहुत फख्र की बात है। कॉम की बच्चियां हैं जो कि 4 बहनें हैं, 15 गोल्ड मेडल ये जीत कर लाई हैं, पहले भी इन्होंने कई कामयाबियां हासिल की हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके? जी ये बड़ी खुशी की बात है, पूरी पाकिस्तान कॉम के लिए बड़ी खुशी की बात है और सुसन मसीह कॉम के लिए। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे पूरी कॉम ने इस खुशी का बड़ा खूब इजहार किया और हमारी दुआएं हैं, ये हमारी बेटियाँ हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, खुदा इन्हें और ज़्यादा बरकत दे, ये मुल्क के लिए कौम के लिए इसी तरह काम करें और फख्र का बायस बने। जी क्या कहेंगी आप लोग, आपके पास आ रहे हैं अभी आपके खेती MPA बाबा फैलपोस आए हैं, मुस्लिम लीग नून की MPA आई हैं यहाँ पर रहीला खादम हुसैन साहब, लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, इस प्यार और मोहब्बत पर क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान जी के, हम लोग मुल्क से बाहर जाके साउथ अफ्रीका से एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कम्बाइंड पावर लिफ्टिंग में 5-5 गोल्ड मेडल अपने अपने बॉडी वेट में विन किए और उसके साथ ही मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ बाबा फलजूत एंट्री कि आज वो हमारे घर में आए, हमारी बाजी रहीला खादम जो आज हमारे घर में आई हैं और बड़ा हमें वार्मली वेलकम किया हम लोगों ने उनको भी और उन्होंने हमें, और आज जो उन्होंने हमें 5 लाख का चेक किया उसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। और नेक्स्ट मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा पुरउम्मीद हूँ कि हमारे पंजाब हुकूमत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब से, सीएम पंजाब और हमारा जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उनकी तरफ से मैं पुरउम्मीद हूँ कि हम लोगों को मेडल्स की इनाम की रकम अनाउंस की जाएगी। अच्छा ये बताएं आगे कॉमनवेल्थ भी आ रहा है, वहाँ भी जा रही हैं, एक दूसरे वाले से अपनी तैयारियों का बताएं, दूसरे ये बताएं कि आपको मुतालबा करेंगी आप किसी महकमे में अगर आपको कोई जॉब मिल जाए आप चारों बहनों को, ये आपकी ख्वाहिश नहीं है? असल में मैं ऑलरेडी वापदा की कॉन्ट्रैक्ट की एम्प्लॉय हूँ और मेरी यही अपील है हमारे जो चेयरमैन वापदा मेमन साहब हैं कि वो हम लोगों को इन मेडल्स के जो हम लोगों की उनकी पॉलिसी के मुताबिक 18 स्केल और हमारे जो मेडल्स की इनाम की रकम बनती है वो भी हमें अनाउंस करें और इसके साथ साथ जो हम लोग कॉमनवेल्थ की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यही कहना चाहूँगी कि हमें जो अभी सिर्फ टिकट्स प्रोवाइड की गई पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से, नेक्स्ट आने वाले इवेंट में हम लोगों को फुली अकोमोडेट किया जाए, हमारी एंटी डोपिंग फीस, हमारी अकोमोडेशन, होटलिंग और जितने भी हमारे एक्सपेंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किए जाएँ, हमें अच्छे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाएँ, अच्छे कैंप दिए जाएँ, अच्छी ट्रेनिंग पर भेजा जाए बाहर ताकि हम लोग आने वाले मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकें और जितने भी हम लोग मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की कि खुदा ने इतनी कामयाबी दी कि हम लोगों ने 15 गोल्ड मेडल विन किए और आज मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ बाबा फैलबोस की और बाजी रहीला की कि आज वो हमारे घर आए, उनके साथ साथ अकलीती नुमाइंदे भी आए हैं और मैं बाबा फैलबोस की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम तीनों सिस्टर्स को 5 लाख का चेक दिया और इसके साथ साथ मेरी यही अपील है फैसल मलूक होकर साहब जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्हें डीजी साहब ने कहा था कि फैसल साहब आएंगे तो हम लोग कुछ अनाउंस करेंगे, तो अभी मेरी यही अपील है कि आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे आप बहुत वर्क कर रहे हैं तो हम लोग भी वुमेन है, हम लोग यही अपील कर रहे हैं आप लोगों से कि हम लोग आज जो है वो 30 दिन हो गए पाकिस्तान में आए हुए तो अभी तक हम लोगों को इनामी रकम नहीं अनाउंस की, इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट से भी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के नाम मैंने खुद एक गोल्ड मेडल किया था तो मेरी उनसे भी यही अपील है कि वो हमें भी इनामी रकम से नवाजे। Thank you so much.